हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मैजिक। जी हाँ, मेकअप करते करते मुझे मैजिक करना भी आ गया। देखिए इस स्कार मार्क को किस तरीके से मैंने कर दिया है गायब। या आफ्टर बिफोर आप रिजल्ट देख सकते हैं। हैवी स्कार मार्क को किस तरीके से आप हाइड कर सकते हैं। एक छोटे से एक्सीडेंट में मेरे हाथ पर लग गई थी चोट, और उसके बाद ये ठीक हो चुका है, बट इसका मार्क जाने का नाम नहीं ले रहा। कहीं पर भी जाना होता है तो उसे हाइड करना पड़ता है मुझे। तो यहाँ मैं दो तरीके बताऊंगी। सबसे पहला तरीका, मैं आपको लिपस्टिक से इसे कैसे हाइड करोगे वो बताऊंगी। आपके पास कोई भी ब्राउन शेड की लिपस्टिक या ऑरेंज शेड की लिपस्टिक हो वो ले लेनी है। यहाँ मैं दो लिपस्टिक का यूज करूंगी, एक तो ऑरेंज शेड की लिपस्टिक और दूसरी डार्क ब्राउन शेड की लिपस्टिक। अब मैं फेस की तरह हैंड पे भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करूंगी। ये सारे स्टेप्स आप फेस पर यूज कर सकते हैं हैवी डार्क जो स्कार के मार्क्स होते हैं उनको हाइड करने के लिए। सबसे पहले आपको ऑरेंज कलर की लिपस्टिक यूज करनी है। यहाँ पर मैं इस लिपस्टिक को यूज नहीं करती हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप यूज करते हैं तो फिंगर में लेकर ही अप्लाई करें। यहाँ आपकी लिपस्टिक जितनी ज्यादा मैट होगी उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगी। ये सेमी मैट लिपस्टिक है। आप देखिए बीच में जो व्हाइट पार्ट है वो कवर नहीं हो रहा इस लिपस्टिक से। अगर फेस पर डार्कनेस है, डार्क पिगमेंटेशन है, वो आपकी इजिली हाइड हो जाएगी, बट अगर व्हाइट स्कार्स हैं, व्हाइट मार्क है, वो हाइड नहीं होंगे लिपस्टिक से। अब नेक्स्ट मैंने इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके ऊपर ब्राउन शेड की लिपस्टिक अप्लाई कर दी है। आप देख सकते हैं व्हाइट मार्क काफी हद तक हाइड हो चुका है, बट नॉट परफेक्टली। अब जब भी आप किसी डार्क मार्क को हाइड करेंगे, आपको कभी भी ब्यूटी ब्लेंडर को जोर से प्रेस नहीं करना, बिल्कुल टैप टैप मोशन में ही ब्यूटी ब्लेंडर को अप्लाई करना है, जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। अगर प्रेशर लगाएंगे प्रोडक्ट वहां से हट जाएगा। उसके बाद आपको अपना फाउंडेशन का शेड अप्लाई करना है। ये सारे स्टेप आप फेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देखिए स्कार का मार्क काफी अच्छी तरीके से हाइड हो चुका है, बट नॉट परफेक्टली। अभी भी व्हाइट पार्ट काफी ज्यादा विजिबल है क्योंकि लिपस्टिक इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं थी। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको कोई भी कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर ले लेना है और अपना बेस जो आपने बनाया था उसको सेट कर लेना है, लॉक कर लेना है, अदरवाइज क्रीजिंग आ जाएगी, सारा प्रोडक्ट वहां से हट जाएगा। आप देखिए जो डार्कनेस थी वो काफी अच्छी तरीके से कवर हो गई है, बट जो व्हाइट पार्ट है वो कवर नहीं हुआ है, वो स्टिल विजिबल है क्योंकि जो लिपस्टिक थी वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं थी, वो मैट नहीं थी, वो सेमी मैट थी। तो अगर सेमी मैट लिपस्टिक है तो अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे व्हाइट स्कार पर, बट इससे मेरा काम चल सकता है, ये इतना विजिबल नहीं। अब मैं अगेन इसको रिमूव करके जो प्रोफेशनल वे है वो बताने वाली हूँ, जिस तरीके से आप इजिली अपने फेस के स्कार मार्क को, व्हाइट मार्क को हाइड कर सकते हो। अगेन मैंने मॉइस्चराइजर अच्छी तरीके से अप्लाई कर लिया है। अब यहाँ पर हम लेंगे ऑरेंज कंसीलर। स्विस ब्यूटी का ऑरेंज करेक्टर मैंने यूज किया है, नॉट कंसीलर, सॉरी। करेक्टर आपको इस तरीके से टैप टैप मोशन में लगा लेना है, स्पेशली अगर व्हाइट मार्क है तो उसके ऊपर टैपिंग करेंगे। और यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रोडक्ट लगाना है, ब्लेंडिंग ज़्यादा नहीं करनी है। ब्लेंडिंग हम बहुत ही लाइट हैंड से करेंगे। आप देखिए प्रोडक्ट अच्छी तरीके से लग गया है और व्हाइट मार्क भी बहुत अच्छी तरीके से कवर हो चुका है। अब बिल्कुल लाइट हैंड से आपको ब्लेंड करना है। मैं सेंटर में बिल्कुल ब्लेंड नहीं करूंगी क्योंकि अगर मैं ज़्यादा ब्लेंडिंग कर दूंगी अगेन प्रोडक्ट हट जाएगा। यहाँ मैंने मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर यूज़ किया है। अब यहाँ पर कंसीलर आपको यूज़ करने हैं हाई कवरेज वाले। ये कंसीलर बहुत हाई कवरेज का है, फेस पर मैं यूज़ करती हूँ इसलिए फिंगर की हेल्प से ही मैं अप्लाई करूँगी। टैप टैप मोशन पे कंसीलर से आपको इसको कवर कर लेना है, जैसा मैंने वीडियो में दिखाया। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से मेरी पिगमेंटेशन जो थी, स्कार मार्क्स जो थे, वो हाइड हो चुके हैं। अब फाइनल कोट में हम लगाएंगे फाउंडेशन, जो आपके स्किन का जो फाउंडेशन है मैचिंग का, वही आप लगाएंगे। कम्प्लीटली आपके स्कार के मार्क जो है वो हाइड हो जाएंगे। तो स्कार के मार्क जो है वो हाइड होंगे, पिगमेंटेशन हाइड होगी, पर जो उभरा उभरा पार्ट है वो ऐसा नहीं है, वो गायब हो जाएगा। कोई हम सर्जरी नहीं करे तो वो गायब नहीं होगा, बस हाइड हो जाएगा। तो ये बेस्ट वे होता है आपके फेस के जो डार्क सर्कल वगैरह को हाइड करने का। अब अगेन आपको लूज पाउडर की हेल्प से ये सेट कर लेना है। ये आप फेस पर भी कर सकते हैं क्योंकि मेरे फेस पर इतनी ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं है, तो फेस पर मैं इतनी अच्छी तरीके से नहीं बता पाती। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। आफ्टर बिफोर आप रिजल्ट देख सकते हैं। बाय बाय।